हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम सब देखने वाले हैं सारंगपुर का टेंपल जो कि है हनुमान जी महाराज का, कष्टभंजन देव का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज कमेंट कीजिए कि सारंगपुर धाम कौन कौन गया है और मैं सबकी कमेंट्स देखने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये है मेन गेट। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से ट्राई किया आप सबको एकदम ओरिजिनल लगे। देखिए पार्किंग है और यहाँ पे कार्स भी अलॉटेड है, पार्क की हुई है। और चलिए टेंपल भी पूरा इनसाइड आउटसाइड और पूरा सब कुछ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए गार्डन व्यू, वहाँ पे आगे भी गार्डन है। ये देखिए हम आ गए हैं टेंपल के बाहर, श्री कष्टभंजन देव सारंगपुर में। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए क्या लिखा है, श्री कष्टभंजन देव सत्य छे। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। ये महामंत्र है हनुमान जी महाराज का। और बहुत ही, ये देखिए आप, ये स्तंभ है वहाँ पे जो है वो। और चलिए अंदर मैं आप सबको दर्शन कराता हूँ हनुमान जी महाराज के। जय श्री राम। चलिए, और हाँ गाइस, वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए अभी अंदर गर्भगृह में भी दर्शन कराता हूँ। तो गाइज ये जो टेंपल है वो मेनली गोपालनंद स्वामी जी महाराज ने बनवाया था। ये देखिए पूरा दीपमाल दर्शन एकदम करीब से कीजिए, यहाँ पे वो भी है तो उनके भी हम दर्शन करेंगे। ये है पूज्य गोपालनंद स्वामी महाराज जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा व्यू भी दिखाऊंगा गाइज। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना ना भूले। और आरती के समय जो बेल बजती है, चलिए वो भी दिखाता हूँ। ये आप सुन सकते हैं, तो पूरा एकदम ओरिजिनल मैंने ट्राई किया गाइज और दिल से बनाए। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूले। देखिए दान पेटी भी है। और अभी तक अगर मेरी चैनल VR क्रिएटिविटी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल VR क्रिएटिविटी को गाइज। और बेल आइकन दबाइए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलिए अभी मैं आप सबको बाहर ले जाता हूँ गाइज और आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं। ये देखिए बाजू में जो हवन होते हैं, हवन कुंड यज्ञ वहाँ पे शुरू ही रहते हैं, तो ये है वहाँ पे भी आप दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे ये है सत्संग हॉल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। और सत्संग हॉल है, अखंड धुन सब शुरू रहता है फ्रेंड्स। और ये तो भाई प्रसाद, वहाँ पे अगर आप जाइए तो कभी भी बिना प्रसाद के ना आइए, क्योंकि वहाँ पे प्रसाद जो दादा का मिलता है बहुत ही स्वादिष्ट और ख़ास महत्व है। बिना प्रसाद का दर्शन कंप्लीट भी नहीं गिना जाता, क्योंकि प्रसाद जिसके नसीब में होता है वही ले सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप कभी भी सारंगपुर धाम विजिट करें तो प्रसाद ज़रूर लीजिए, ठीक है। बहुत ही स्वच्छ सुंदर और स्वादिष्ट सब कुछ होता है वहाँ पे, सफाई के मामले में और हर एक चीज़ के मामले। देखिए किचन एरिया है, यहाँ पे कुकिंग चालू है गाइज। और आप कभी भी जाए वहाँ पे रहने की भी है सुविधा। और चलिए वो जो वहाँ पे एक श्रीफल का जो लगाया हुआ है वो भी मैंने ट्राई किया है थोड़ा, चलिए वो भी दिखा देता हूँ आप सबको। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए हम बटन दबाएंगे तो हमको प्रसाद मिलेगा। और गाइज कमेंट कीजिए टेंपल कैसा लगा आप सबको। और वहाँ पे आश्रम्स भी है रहने के लिए, होटल टाइप के ही है लेकिन बहुत अच्छे स्वच्छ और एकदम सुंदर आश्रम्स और गेस्ट हाउस भी है। तो ये चलिए उसमें से एक रूम भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए बेड है, सिटिंग एरिया है,
और रीडिंग एरिया भी है, और आप बैठ के ये व्यू देखिए, आप बैठ के शांति से यहाँ पे भगवान का भी स्मरण कर सकते हैं। देखिए व्यू देख सकते हैं आप, गैलरी व्यू, ये देखिए क्या व्यू है, सब यही है। और ये ट्रीज है, तो गाइस ये एक पीछे का दरवाजा भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। देखिए बिजली, अभी बारिश आने वाली है, अरे बारिश आ गई। और यहाँ पे पीछे की साइड पे भी पूरी बाजार है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, और बहुत कुछ अवेलेबल है। तो गाइज बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप सबको ये वीडियो कैसी लगी, और ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है गाइज। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे मेरी चैनल को, ठीक है गाइज। जय श्री राम, जय कष्टभंजन देव, जय श्री स्वामी नारायण भगवान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।